और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने आज कोरोना वायरस को लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद ये बैठक हुई थी, कुछ देर पहले ये मीटिंग खत्म हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मनसुख मांडविया ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जानकारी दी कि 25 दिसंबर से 1716 फ्लाइट की स्क्रीनिंग हुई है और 5,666 यात्रियों के सैंपल एयरपोर्ट से रैंडम सैंपल के जरिए भेजे गए हैं। भारत में जनवरी के महीने में कोरोना की नई लहर आ सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 40 दिन कोरोना संक्रमण के लिहाज से काफी गंभीर हो सकते हैं। कोरोना के पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए ये दावा किया जा रहा है। इसके पहले ईस्ट एशिया में कोरोना फैलने के 30 से 35 दिन में भारत को कोरोना लहर का सामना करना पड़ा था। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट BF7 पहले से ज्यादा संक्रामक है, एक वक्त में 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है।